बगैर लाइसेंस के खाली और भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले फर्म पर छापा मारकर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने 100 जंबो और छोटे सिलेंडरों को बरामद किया है। बगैर लाइसेंस के संचालित हो रही फर्म के प्रोपराइटर द्वारा जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें 25 से 40 हजार में जंबो और 10 से 15 हजार रुपए में छोटा सिलेंडर बेचा जाता था। 80 से 100 छोटे बड़े सिलेंडरों को बरामद करने के बाद दुकान को सील कर दिया गया है। ब्लैक में सिलेंडर खरीदने वाले पीड़ित और जरूरतमंद के बयान के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के 10 नंबर बोरिंग स्थित मां अंबे के नाम की फर्म पर जिला प्रशासन की टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना मिली। जिला प्रशासन को मिली शिकायत में बताया गया कि फर्म के ऑनर दिनेश दुबे 25 से 40 हजार रुपए ब्लैक में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, वहीं छोटे सिलेंडर 10 से 15 हजार में बेचे जा रहे हैं। सूचना के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने वहां पर छापेमारी की। वहां पर टीम को 80 से 100 की संख्या में भरे और खाली सिलेंडर भी बरामद हुए। जिला प्रशासन ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के 10 नंबर बोरिंग से मां अंबे नाम की फर्म पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। यहां पर बगैर लाइसेंस के जंबो और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, हम कहीं कोई सिलेंडर नहीं रखते हैं। अरे अंदर पाए नहीं क्या भाई आपके यहाँ? हाँ ये तो है, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ। और बाकी कहाँ है इसके अलावा? वही वो ये आदमी का आदमी आया हमसे, देखिए हमें सिर्फ कोई वो नहीं, बस एक मोहब्बत थी उसमें। मोहब्बत तुम्हें जेल ले जाएगी, ज़्यादा मोहब्बत नहीं करना चाहिए ना। कोई बंदा रिंच है, हम लोग बात दे रहे हैं। देखिए एक सूचना मिली थी कि एक जगह पे गोरखनाथ एरिया में वहाँ पे एक दुकान में खाली सिलेंडर रिफिल कराया जा रहा है और बेचा जा रहा है, जो कि निर्धारित दाम उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो इसी में एसडीएम सदर और उनकी तहसील की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, और छापेमारी में वहाँ पे 80 से 100 सिलेंडर्स पाए गए। उसमें कई सिलेंडर ऐसे जो भरे भी हुए थे, कई सिलेंडर ऐसे जो खाली थे। तो उस जगह का तत्काल प्रभाव सील कर दिया गया है, और आगे हम और जानकारी लोगों से जुटा रहे हैं कि कौन कौन लोगों से यहाँ से खरीदा है सिलेंडर्स को और क्या रेट पर खरीदा है। अभी तक जो सूचना
सूचना मिल रही है उसके हिसाब से वो भरे सिलेंडर जो बड़े वाले हैं उसको 25,000 से 40,000 रुपये के बीच में बेच रहा था। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको किसी भी तरह का कोई लाइसेंस या कोई भी अधिकृत नहीं किया था जिला प्रशासन से। तो इसकी जाँच हो रही है, हमारी टीम वहाँ पर जाँच कर रही है और इस पर आगे और कार्रवाई की जाएगी।